को सर काट करके सिंह दरबार में मैं जा रहा हूँ। ठीक हमारा चाहिए, जरा सा चिटिंगबाजी नहीं होना चाहिए, समझ गया? ठीक। परिया चले अल्लाह बबुआ, परिया चले अब दरबार के, परिया चले अल्लाह बबुआ। चलो दुश्मन, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ जल्लाद। क्या तैयार हो गए? मैं मरने से नहीं डरता हूँ लेकिन आज आज मैंने देख लिया कि अपने बेटे के लिए मेरे भाई अपने भाई से नाता तोड़ लिया। हाँ। चल कोई बात नहीं जल्लाद। अरे वो मामला तो तुम दोनों भाई का, मुझे उससे क्या लेना देना? कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ हत्या करना है, बस यहाँ से चलना। चलो दुलारा रे सुन ले दुलारे बाबुआ, फिर नहीं मिलता बेटा रे चाचा तो होता
तू रुका क्या हतिया हो का रही छी आई हम दुश्म के जाय हतिया हो करिया बाबू सब हो तू उषमा सुन लो हीना रही है दुर्गा शक्ति के माय बाधा के करिए हम आज के दघार में बाधा जे करिए देवी आइए अशोक जी के मम्मी की तरफ से शानदार इस कैदी को बंद करने के लिए शानदार 51 रुपए का पुरस्कार दिया है। तमा जाला कैदा घर में जा बाधा हो करिए बाबू सब इहो ही ना रही है काली मेरी के माय दिया पाली दाना हम गे इहो तू अरे क्या कब रोक दिया चला दो होश में बात कर क्या होश में बात करूं मैं दुश्मन को कत्ल कर रहा था तुम रोकने वाली कौन होती हो मैं तुझे कत्ल कर दूंगी क्या तुम मुझे कत्ल कर दोगी तू पहचानता नहीं है मुझे अभी तक मैं कौन हूँ तुम कौन हो क्या नाम है तुम्हारी इस धरती पर जब जब अन्याय होता है तो वहाँ सुगावती पहुँचती है अच्छा और तुम्हारे ऐसे जल्लाद को सैतने के लिए सुगावती इसी जंगल में रहती है क्या तुम्हारी नाम सुगावती मेरी
नाम सुगावती है। सुगावती सही वक्त पर तू आ गई, आज हम उसको भी खत्म करेंगे और तुमको भी खत्म करेंगे। किसी बार पैदा लिया है भारत में कि मुझे खत्म कर देगा। अरे तुम कहना क्या चाहती है? हवा से निकलती हूँ, पक्षी के रूप में उड़ जाती हूँ, मुझे कोई पहचान नहीं पाता है, नहीं देख सकता है। ये कैदी क्या जुलुम किया कि तू इसे कत्ल कर रहा है? क्या जुलुम किया सुगावती? अरे ये कैदी ने, ये कौन है? एक कैदी हमारे बड़े मालिक आल्हा सिंह का भाई रुदल सिंह है। इन्होंने अपने भतीजे को मेला में ले जा करके उसको बलिदान दे दिया है, उसी का सजा इसको मिल रहा है। अच्छा, तो इसीलिए तुमको ऑर्डर फरमाया कि तुम भी इसे बलिदान दे दो। हंसले हंसले तेरी दिन अधीन हो गया है। क्या बोलती है जल्लाद? भला चाहता है तो इसको तू खोल के आजाद कर दे। नहीं, हम इसको कदापि नहीं आजाद कर सकते। अगर हम इसको आजाद कर देंगे तो मेरे पूरे परिवार को बड़े मालिक भक्सी झोंका करके मार देंगे। अगर तुम इसको आजाद नहीं करेगा तो मैं तुझे यहाँ पे कत्ल कर कर भेजूंगी ताकि लिए तू अपने बाल बच्चा को खुद को नहीं देख सकेगा। ए, पागल हो गई? तुम पगला बन गया है। जलाद से पंगा लेती हो? छिपकली के बच्चे दीवार पर रिंगने वाले मगर मस्त से बैर लेता है। अरे तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोल। मैं कह रही हूँ ना, इसे खोल के आजाद कर दे। इसके बदले में तू जो भी मुंह मांगी इलाम मांगेगा मैं तुझे पूर्ति करूंगी। क्या कर दो? बिल्कुल सच। हाँ बिल्कुल सच है सुगावती। अगर ऐसा बात है तो तुम मेरे लिए एक बोतल दारू का इंतजाम कर दे। अगर तुम्हारे पास दारू नहीं है तो तुम मुझे कम से कम 1200 रुपया मेरे हवाले कर दे ताकि हम कहीं खरीद करके पी लेंगे और हम इसका जान छोड़ देंगे। लेकिन किसी के पास ये खबर नहीं जाना चाहिए कि जलाद उसको छोड़ दिया। तो दारू की पैसा लोगे? अरे जब तक मुझे घूस नहीं मिलेगा तो हम कैसे छोड़ेंगे भैया? इतनी बड़ी लालची हो तू? ए जल्द बोलो क्या करना है। ठीक है ठीक है, मैं तुझे दारू की पैसा का इंतजाम करती हूँ। तो हम आधा घंटा का तुमको मोहलत देते हैं। अगर आधा घंटा में अगर मेरे पास पैसा नहीं आया तो हम इसको कत्ल करके ही जाएंगे। ठीक है, ये तो तुझे वक्त बताएगा। ठीक है जाओ, जल्दी लाओ। देखिए ये लीला बाबू साहब, ये चल दबा भाई के दारू के खर्चा दे बही चला दे के जाए जीवन ने बचा दे बही के की हो तू सम आन के सभा के भगवान देखियो मैं लीला बाबू सब की होता रबारा के बहुत ये बाबू भैया छह सवाब चम भी कहा न मदद जलाद बादे बहु तो करो सबके कछा छालू भन मरत जाए सब के रातु समन गए सुगावती छियौई हो तू समन ने बाबू भाई या सुमुनी या उसाए भागा पान थोड़ा सा
Bye.
ये ताके का लाना नाता टूटले भाभी हमार लकई भैया जी बहुते समझाबई रैया बाबा रा बाबू कहो एको ना कमी आए मान ल भाभी सोना मान बुती ने की याना रहले भाभी है हमार प्रतापा के ममता में भाभी है के लिए है भुलाल देवर पन्ना भाभी जी सदा खुश रहो देवर क्यों मुझे कैद घर से मेरे जीवन को बचाए थे क्या गलती की है कि इतनी बड़ी सजा तुम्हारा भाई ने तुझे दिया है मैंने कोई गलती नहीं किया भाभी बेटा ना जाने वह मेला में तंबुक से कहां चला गया उसका कोई पता नहीं वही बेटा के लिए मुझे भाई साहब ने मेरे बदन पर बिजली का कोड़ा चलाया 14 कोठी बांस का पट्टा था वो भी तोड़ दिया राखन वाले साई मार सके ना कोई बाल बका क्या करिए जो जग भरी हो देवर जो होने का था वो हो गया अब कुछ पाने के लिए कुछ ही खोना पड़ेगा तुझे बराबर गजाना अगर तुम नहीं आज होती तो मेरा जीवन ये कैद घर में आज नहीं बचता भाई साहब तो बेटा के लिए मुझे जीवन हत्या कर दिया है भाई साहब के सामने मैं तो मर चुका हूं देवर मैं कितना समझा रही थी कि बेटा को लेके मत जाओ बच्चा बहुत बड़ा बोझ बन जाता है लेकिन आपने उसकी ममता के प्यार में फंसकर इतनी बड़ी डिक स्पॉन्ज क्यों खेले जिस बेटा को मैंने खोआ मिश्री मलाई खिलाता था जिस बेटा को मैंने अपने कलेजा का टुकड़ा की तरह पोसा पाला जिस बेटा को मैंने अपने जंगे पर खिलाया उस बेटा को कैसे अपने हाथ से हत्या कर देंगे गंगा जी में जाकर वो मैं जानती हूँ कि ऐसा गलती कभी नहीं कर सकते हूँ लेकिन वो अंधा राजा को क्या पता है चल तो मुझे किस लिए तुम मेरे जान को बचाई है देवर
कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मुझे? मैं जानती हूँ कि बेटा मेला से खो गया है, ऐसा गलती तुम कर नहीं सकते हो जो अपने हाथों से बेटा को खुआ मलाई खिलाकर उसे बलिदान नहीं दे सकते हो। अब बेटा को खोजने के लिए ये ड्रेस खोल कर रखना होगा सर राज दरबार में, बन जाइए जोगी बन जाइए। नहीं बाबी, चाहे बेटा मिले या ना मिले, बेटा के लिए सजा तो मैंने पा गया हूं, अब बेटा के लिए मैंने जोगी महात्मा नहीं बनेंगे। अगर बेटा के लिए तूने जोगी महात्मा बनाती है तो सदा के लिए भाभी देवर का रिश्ता आज से खत्म हो जाएगा। नहीं देवर, जंग के मैदान में जब इंसान उतरता है तो जंग जीतने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। ये जंग के आंख को जीत कर देखाना होगा, वो अंधा के राजा के आंख की पट्टी को खोलना होगा, तब वो समझेगा कि भाई क्या है और बेटा क्या है। मैं तुझे मजबूरी हालात में जोगी बना रही हूँ, वो भी मैं अपनी नजरों के सामने तुझे जोगी बना रही हूँ। क्या मेरी कलेजा पत्थर है? ठीक है भाभी, जो तुम कहेगी मैं तुम्हारी वचन को उल्लंघन नहीं करेंगे। जोगी के रूप में जाइएगा, जोगी महात्मा के लिए हर आंगन हर दरवाजा फ्री रहता है। डेढ़िया डेढ़िया जाकर किसी तरह बेटा की पता लगा लीजिएगा, जिस दिन बेटा की पता लग गया फौरन बेटा को साथ लगाकर मेरे पास चले आइएगा। ठीक है भाभी, लेकिन भाभी मेरा जन्म जन्म का यार मेरा दोस्त था, जो दोनों आदमी एक साथ जीने मरने का कसम खाया था, उसे भी मेरे भाई ने मारपीट करके राज दरबार से भगा दिया। मैं आवाज लगाऊंगी फौरन वो आ जाएगा, वो इतना बड़ा निर्दयी नहीं है कि आपको छोड़कर वो चला जाएगा। ठीक है, अगर वो आ जाएगा भाभी तो दोनों मिल करके चलेंगे। Yeah.